वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ब्लूटूथ मॉड्यूलर को लगाने की एक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंटेक्स का है और ओरिजिनली इसके अंदर कोई भी ब्लूटूथ का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वाला मॉडल ब्लूटूथ को सपोर्ट नहीं करता है और काफ़ी लोगों के पास ये मॉडल है। और इस तरह के दूसरी कंपनियों में भी मॉडल आते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किसी भी होम थिएटर में आप ब्लूटूथ का फंक्शन किस तरीके से लगाएं। और फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने पुराने डीवीडी प्लेयर में, पुराने टीवी में, टेप रिकॉर्डर में और रेडियो में भी ब्लूटूथ का सिस्टम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जो प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो होगा वही प्रोसीजर इन सभी आइटमों में भी फॉलो होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम थिएटर की सर्किट प्लेट को मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ब्लूटूथ मॉड्यूलर को लगाने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूलर होता है इसको लगाने के लिए मेनली दो कनेक्शन आपको करने होंगे। एक, इसके अंदर आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी जो 5 वोल्ट की होती है, और दूसरे, इसके अंदर ऑडियो के इनपुट देनी पड़ेगी। ये दो कनेक्शन आप करें, आपका ये चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ मॉड्यूलर किट के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसके सभी कनेक्शन को विस्तार रूप से समझाया है। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो ऊपर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ये दो +17 और -17 की दो लाइनें हैं। अगर आप इसके अंदर से 5 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आप एक IC7805 का इस्तेमाल करें और इस 17 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लें, या फिर ऊपर की साइड में आप देखें यहाँ पर 4.9 वोल्टेज आ रही है जो कि 5 वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉड्यूल को चला सकते हैं। और अगर आप इंडिकेटर LED को भी अपने होम थिएटर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस 5 वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 5 वोल्टेज से LED ख़राब हो जाएगा तो आप एक 100K की रेजिस्टेंस डाल दें और उसके बाद अपने LED को कनेक्ट कर दें। ये मैंने अपने होम थिएटर की फ्रंट प्लेट को ओपन कर लिया जिसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोलर, ट्रेबल कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रही है। तो मैं इसके अंदर एक 100K की रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उसके बाद अपना LED इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। यह आप देख सकते हैं, मैंने एक 100K की रेजिस्टेंस इसके अंदर सीरीज के में लगा दी और जैसे ही मैं अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन करूंगा, ये देखिए इंडिकेटर लाइट जल्दी स्टार्ट हो गई। और मैं अब इसकी वोल्टेज भी मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस वायर से 5 वोल्टेज यहाँ पर आई और रजिस्टर लगा होने के कारण वह ड्रॉप हो गई। तो अब मैं आपको इसकी वोल्टेज भी मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रजिस्टर से पहले अगर मेजर करें तो देखिए 4.9 वोल्टेज मल्टीमीटर शो कर रहा है और रजिस्टर के बाद 2.89 के करीब वोल्टेज आ रही है। तो इसने ड्रॉप कर दी, तो इसीलिए हमारा LED सही तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं तो यह ख़राब हो जाता अगर डायरेक्ट 5 वोल्टेज इसके अंदर दे देते। फ्रेंड, ये ब्लूटूथ मॉड्यूलर है जो मैं आज इस इंटेक्स के म्यूजिक सिस्टम में लगाने वाला हूँ और इसका प्राइस 300 रुपये के करीब है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं।
इस मॉड्यूलर को चलने के लिए जिस 5 वोल्टेज की ज़रूरत है, सबसे पहले वो वोल्टेज इसके अंदर दे देते हैं। ऐसा करने से यह होगा कि यह चलने लग जाएगा, इसके डिस्प्ले पे लाइट आ जाएगी, लेकिन यह कुछ भी प्ले नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हमने साउंड इनपुट इसके अंदर नहीं दी है। अब मैं आपको इसके ऑडियो के कनेक्शन बताता हूँ कि ऑडियो कनेक्शन किस तरीके से करे जाएँ। ऑडियो कनेक्शन आप सर्किट प्लेट से ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जो बिगनर हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सी जगह से कनेक्शन लें, और कंफ्यूज भी हो सकते हैं बिगनर। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसमें जो कनेक्शन हम लेंगे इसके ऑडियो के, वो इसके वॉल्यूम कंट्रोलर से लेंगे, क्योंकि जो ऑडियो होती है वो सीधा इसके वॉल्यूम कंट्रोलर में जाती है और उसके बाद हम आवाज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। तो हम जो इसका वॉल्यूम कंट्रोलर लगा हुआ है वहाँ से 3 कनेक्शन निकाल कर हम सीधा अपने ब्लूटूथ मॉड्यूलर के अंदर दे देंगे और वह इसके ऑडियो इनपुट की तरह से काम करेगा। फ्रेंड, मैं सोचता हूँ कि आपने वह की आवाज़ को नोटिस किया होगा जो इसके अंदर आ रही है और काफ़ी भद्दी लग रही है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए करना क्या होता है। इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि ये जो हमने ऑडियो की इनपुट इसके अंदर डाली है, इसमें 2-3 कनेक्शन है, तो जो बीच वाला कनेक्शन है ये अर्थिंग का कनेक्शन है, अर्थ कनेक्शन है ये, इसको आप काट दें। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे एकदम फ़र्क आपको पता चल जाएगा और जैसे ही वह की साउंड थी वह ख़त्म हो जाएगी।
फ्रेंड ये इसके अंदर अब लग चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस पोजीशन में लगाना चाहते हैं। चाहे तो आप इसको फ्रंट में लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।